up and welcome back to our YouTube channel. Hello everyone, I hope you all are doing well. So we are back with another video. Yes, and we're back with a very different topic, and this time we guys are going to be reacting on 10 Indian YouTubers who acted in movies. Yes. So I think this video is going to be really interesting. Yes, and we're going to be knowing a lot of things, and बस मैं सिर्फ एक का जानती हूँ जिसने मूवी में एक्ट किया, बट आई एम नॉट गोना बी सेइंग हर नेम. लेट्स सी किस किस ने एक्ट किया है. एंड इफ यू आर न्यू टू आवर YouTube चैनल देन गो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो विद अस. एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. वेलकम टू सोशल. रीसेंट ईयर्स में हमने कितने फेमस YouTube पर्सनालिटीज को वेब सीरीज और फिल्म्स में एक्टिंग करते देखा है. फ्रॉम जितेंद्र कुमार इन पंचायत टू जाकिर खान इन चाचा विधायक हैं हमारे. बहुत से आर्टिस्ट की जर्नी यूट्यूब से ही शुरू होती है एंड सम ऑफ देम हैव इवन गॉन टू एक्ट इन बॉलीवुड फिल्म्स. ये वीडियो ऐसे ही 10 यूट्यूबर्स के बारे में है जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग की है. दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक जरूर देखें. बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल बे बंद कर, क्या कर. नंबर 10, कनन गिल. कनन गिल एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनको हम सब ने यूट्यूब पर कॉमेडी शो प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज करते देखा है. दिस वाज अ वेरी पॉपुलर शो जहां पर वो बॉलीवुड की फेमस फिल्म्स पर एक रोस्टिंग वीडियो बनाते थे. हाय गाइस, वेलकम टू प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज. दिस वीक्स मूवी इज. कॉमिक के साथ साथ कनन गिल एक एक्टर भी हैं और वो हमें 2017 में रिलीज हुई फिल्म नूर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखाई दिए थे. वो फिल्म में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के क्लोज फ्रेंड का रोल प्ले करते हैं. तू तो चाहता ही नहीं कि कभी मेरा घर बस. हेलो सब कुछ, पहले कॉफी पे चली जाओ उसके साथ, देन वी विल टॉक अबाउट घर बसता. नंबर 9, रोहन जोशी. रोहन जोशी एक पॉपुलर यूट्यूब फेस हैं जिनके व्लॉग और गेमिंग वीडियोस ऑडियंस में काफी फेमस है. उन्होंने ईयर 2016 में फिल्म बार बार देखो में एक्टिंग की थी जहां पर वो हमें एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिए थे. नंबर 8, अबीश मैथ्यू. अबीश मैथ्यू को आज हर कोई जानता है बिकॉज ऑफ हिज वेरी पॉपुलर शो ऑन यूट्यूब सन ऑफ अबीश. ये एक सुपर हिट टॉक शो था जहां पर अबीश फेमस सेलिब्रिटीज के साथ वन टू वन कॉन्वर्सेशन करते थे. इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस शो ओनली कि उनको एक बॉलीवुड फिल्म में भी एक्टिंग करने का मौका मिला. वो हमें 2017 में रिलीज हुई फिल्म मेरी प्यारी बिंदु में एक स्मॉल रोल करते दिखाई दिए थे. नंबर 7, बिस्वा कल्याण रथ. वी ऑल नो कि बिस्वा एक टॉप के यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ साथ एक अच्छे डायरेक्टर और राइटर भी हैं. उन्होंने अभी तक दो वेब सीरीज बनाई हैं जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने काफी पसंद किया है. इसके साथ साथ उन्होंने ईयर 2016 में अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया था विद अ वेरी अंडररेटेड फिल्म ब्राह्मण नमन. नंबर 6, मलिका दुआ. ममता दीदी. प्रोफेशनली आई एम पार्लर दीदी, पर्सनली आई एम योर माँ जैसी. एवरी गर्ल इज सेम, हेयर इन फैट एंड ब्लैक हेड्स. मल्लिका दुआ एक कॉमेडियन हैं जिनकी फनी वीडियोस हमेशा आपने किसी मीम या वायरल क्लिप्स में देखी होंगी. यू मस्ट रिमेम्बर हर कॉमेडी सीन इन द फिल्म हिंदी मीडियम. वो फिल्म में हमें एक सीन में दिखाई देती हैं जहां पर उन्हें इरफान का कैरेक्टर सारीज दिखाता है. मल्लिका और इरफान के एक्सप्रेशंस को देखकर आप लिटरली हंसने लग जाते हो. क्या दिखा दूं? मींस कोई हैप डिजाइनर का कुछ दिखाइए. ओ, आप तो करीना जैसे लगते हैं. आपको तो मनीष मल्होत्रा ही पसंद आना है, मुझे पता है. का तना रिजेम्बलेंस है. नंबर 5, तन्मय भट्ट. हेलो एंड वेलकम टू तन्मय रिएक्ट. तन्मय भट्ट इज अ यूट्यूबर जिनको हर कोई बहुत अच्छे से जानता है. उनके पॉडकास्ट और रिएक्शन वीडियोस यूट्यूब ऑडियंस में काफी पॉपुलर हैं एंड एवरीवन इज अ बिग फैन ऑफ हिज कॉमेडी. यही नहीं, उन्होंने 2021 में रिलीज हुई फिल्म चिंटू का बर्थडे को प्रोड्यूस भी किया था. तन्मय से रिलेटेड एक अननोन फैक्ट ये है कि उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म्स में स्मॉल रोल्स किए हैं. उन्होंने रागिनी MMS2 और मिस्टर एक्स जैसी फिल्म्स में केमियो अपीयरेंसेस दिए हैं. माय गॉड, क्या हुआ? नंबर 4, प्राजक्ता कोहली. प्राजक्ता कोहली इज अ यूट्यूब सेंसेशन जिन्होंने हम सबको अपनी कॉमेडी वीडियोस से काफी एंटरटेन किया है.
उन्होंने अपने YouTube चैनल पर काफी बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि करीना कपूर खान, ऋतिक रोशन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कोलैबोरेट किया है। रिसेंटली रिलीज फिल्म जुग जुग जियो से उन्होंने अपना बॉलीवुड मूवी डेब्यू किया था, जहां पर वो हमें एक्टर वरुण धवन के सिस्टर का रोल प्ले करती दिखाई दी थी। द फिल्म वाज अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस और उनके रोल को उनके फैंस ने काफी पसंद किया। नंबर थ्री, हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं जो अपने कॉमेडी स्केचेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, जहां पर वो हमें टाइगर श्रॉफ के फ्रेंड के कैरेक्टर में दिखाई दिए थे। आपको हर्ष का ये अपीयरेंस कैसा लगा था? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अरे मृदुला, तू क्या पॉपुलरिटी बन गई है? अबे यार का यार मतलब अपना बेड़ा पार, एंट्री दिलाना। नंबर टू, कैरी मिनाटी। तो कैसे हैं आप लोग? कैरी मिनाटी को कौन नहीं जानता है? He is very popular for his roasting and gaming videos. उनके songs भी काफी popular होते हैं, that one of them even made to a Bollywood film. उनके song यलगार को film Big Bull में use किया गया था as a soundtrack. Recently ही कैरी मिनाटी ने अपना Bollywood debut किया था with the film Runway 34, जिसे actor अजय देवगन ने direct किया था. हमें वो फिल्म में एक फ्लाइट पैसेंजर के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। उम्र के साथ ताज की चली जाती है, हरामजाद की नहीं। कोलेस्ट्रॉल से पहले अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखो। बूमर हो रहा है, बूम बूम की छा खत्म नहीं हो रही है। नंबर वन, भुवन बम। हाँ बेटा, बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल बे बनकर क्या कर। भुवन बाम इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में से एक है। वो अपने कॉमेडी स्केचेस में मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं एंड द ऑडियंस लव्स हिम फॉर एवरीथिंग ही डज। कॉमेडी के अलावा भी ही हैज गॉट सम सीरियस एक्टिंग स्किल्स जो हमें शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उन्हें फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। इसके साथ साथ उन्होंने अभी अपनी वेब सीरीज ढिंडोरा भी रिलीज की थी, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब वो अपनी सेकेंड वेब सीरीज ताजा खबर की शूटिंग भी कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। वी बिलीव भुवन इज एन इनक्रेडिबल एक्टर हु कैन एक्चुअली मेक अ गुड लीड इन हिज फिल्म्स। मैं भी हर साल लीव पे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ही लेता हूं, बस इसी साल वो रूट अलग पड़ गया। शायद आपसे मिलना लिखा था। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि इन सारे यूट्यूबर्स में से आपके कौन से 3 मोस्ट फेवरेट्स हैं, और जब आपने इन्हें बॉलीवुड फिल्म्स में देखा था तो आपका क्या रिएक्शन था। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। Yeah, जो स्टार्टिंग में जिनके नाम थे, आई नो अबाउट कैरी मिनाटी, प्राजक्ता एंड हर्ष बनीवाल एंड तन्ने भट्ट एंड मुझे पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग हिज वीडियोस। इंजीनियरिंग गर्ल्स करके एक वेब सीरीज थी, मैंने उसमें देखा था उन्हें। एंड फॉर मी, मेरे जो 3 फेवरेट यूट्यूबर हैं फ्रॉम इंडिया, दे आर कैरी मिनाटी, प्राजक्ता कोहली एंड हर्ष बेनीवाल। फॉर यू? नो, आई थिंक कैरी मिनाटी फॉर लाइक टॉप एंड देन या कैरी मिनाटी इज ऑन टॉप, दैट्स व्हाई। बीबी की वाइंस आल्सो, बीबी की वाइंस की मैंने बहुत वीडियोस एंजॉय की हैं। आई लाइक और कौन पसंद है मुझे? प्राजक्ता। Not really. अब बैश ना करना कमेंट में, एवरीवन हैज देयर ओन चॉइस, सो प्लीज डोंट से दिस कि क्या बोल दिया। एनीवेज, मुझे वो पसंद है हर्ष बनीवाल। नो, नॉट हर्ष बनीवाल, तुमने बट मुझे उस पसंद। सो आई थिंक सबका अपना अपना एक काम करने का स्टाइल होता है, और आई बिलीव दैट कि जो जो भी काम करता है अगर पूरी लगन और मेहनत के साथ करे। सो देखा आप लोगों ने कैसे यूट्यूबर से एक यूट्यूब की जर्नी से लेकर आज बड़े पर्दे पर फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज 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 थिंग एंड एंड इट्स अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट फॉर एवरी यूट्यूबर जो आज इस स्टेज पर आए हैं। एंड आई थिंक सभी बहुत यूट्यूब पे भी बहुत क्रिएटिव काम करते थे। मुझे अब थोड़ा प्राजक्ता का होता है कि वो यूट्यूब पे क्यों नहीं काम करती। आई नो दैट उनके पास टाइम नहीं होता होगा एंड शी मस्ट बी बिजी, बट ऐसा होता है ना कि आपका दिल करता है कि, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 2018-2019 में बहुत उन्हें देखती थी, बहुत देखती थी। यस, मैंने भी प्राजक्ता की वीडियोस देखी हुई हैं, काफ़ी सारी रिलेटेबल वीडियोस वो बनाती थी। सो या, वी रियली एंजॉयड देयर जर्नी, और जितनी भी मतलब ऑफ कोर्स हार्ड वर्क ही आपको इतना आगे लेके जाता है,
एंड आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद हमें बहुत मोटिवेशन मिला बिकॉज़ वी आर लाइक के उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था एंड नाउ हियर दे आर यू कैन सी देम एग्जैक्टली यू कैन हैव मोटिवेशन फ्रॉम देम एज़ वेल ऑलराइट गाइस नाउ वी आर अबाउट टू एंड दिस वीडियो यस एंड व्हाट यू हैव टू डू इज You have to go and follow us on Instagram. We'll mention our Instagram on the screen right here. Which is Fatahi's underscore reaction. Also subscribe to our channel and hit the bell icon. And agar aapki koi recommendation hai, do let us know in the comment section down below. We would love to react on that thing. And consider the comment box as your own home. Okay? Jaate jaate hamara ek hi message hai. Which is? Do not forget to spread peace. Love and positivity. Bye bye. Love you all.